आज हम लाखेरी गांव में हैं। देवीलाल जी फार्मर हमारे साथ हैं। इनका ये धान का खेत है, कितने बीघा है सर? ये ढाई बीघा खेत है। तो इन्होंने हमारे ये रतनमणि, हमने इनको सजेस्ट किया था, इन्होंने रतनमणि का इस्तेमाल किया, तो इनसे पूछेंगे कि रतनमणि डालने के पहले इनके खेत की क्या पोजीशन थी, रतनमणि डालने के बाद इनको इसमें क्या फ़र्क नज़र आया, क्या लाभ हुआ। पहले इनसे इनका बायोडाटा लेते हैं। सर आपका नाम? देवीलाल। आपका गाँव का नाम? लाखेरी। लाखेरी, आपने ये रतनमणि कहाँ से लिया था? यही दुकान से लिया, हनुमान जी दुकान, हनुमान जी बालाजी एग्रोटेक पाटन से। तो जब आपने ये रतनमणि डाला, उस वक्त आपके खेत की क्या पोजीशन थी, इसको डालने के बाद आपको क्या परिणाम देखने को मिले? फायदे हुए थे सर। क्या था सर? बढ़वार बढ़वार भी थी, कम थी, कम बढ़वार भी वही सर, बढ़वार हुई। और दूसरा उपाय, कीड़े मकोड़े भी कमी लगी थी, रोग कम लगे इसमें। ये देखिए अभी बालियाँ बनने लग गई है ना, और जो पीलापन था वो भी शायद खत्म हो चुका है पूरा। इनका खेत दिखाएंगे, पूरा खेत हरा भरा हो चुका है, पूरे खेत में देखिए, पूरे में इनके फलियां बनने लग गई हैं। तो ये सब चीज़ें पहले नहीं थी आपके, बढ़वार नहीं हो रही थी, छोटा था, छोटा है। तो अब इसको डालने के बाद आपको थोड़ा लंबाई भी लंबाई हुई, फलियाँ बनने लग गई, बालियाँ बनने लग गई इसमें, और पीलापन जो था वो खत्म हुआ, खत्म हो गया। तो कुल मिला के आप इससे संतुष्ट हैं? आने वाली फसलों में आप इसका इस्तेमाल करेंगे? करेंगे। अपने किसान भाइयों को बताएंगे रतनमणि से हमें कितना लाभ हुआ हमारे खेत में, कितना उपयोगी है, बता देंगे। इसके रिजल्ट अच्छे हैं, आपको बढ़वार फुटान अच्छा देखने को मिलेगा इसको डालने के बाद, बहुत बढ़िया रिजल्ट हैं। तो ये सब चीज़ें आप अपने किसान भाइयों को भी आगे बताएंगे? बताऊँगा ना, आगे बताऊँगा। ये हमारे देवीलाल जी हैं, ये इससे संतुष्ट हैं, ये कह रहे हैं आने वाली फसलों में भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे, और अपने गांव में अपने किसान भाइयों को सुझाव देंगे कि अपने आने वाली रबी की फसलों में इसका इस्तेमाल करें और अच्छी गुणवत्ता वाली फसल प्राप्त करें। धन्यवाद।